है गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने ओली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट था वो अटैम्प्ट किया था, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और दूसरा जो है वो स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे 41% ऑफ दिखा रहा है। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ओली बोर्ड से ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ये वाला जो कोड आपका स्कॉलरशिप वाला वो आप लोग लगा लेना, आपको 41% ऑफ मिल जाएगा। चाहे आप मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी ले रहे हो, तो आपने अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया तो ही मिलेगा आपको। चलिए इस टेस्ट के बारे में एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने 52 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से एक गलत हो गया था, और 51 पॉइंट समथिंग मार्क्स जो बने थे, 51.75, और नॉर्मलाइज करके ये मार्क्स 66.25 थे। रैंक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, लगभग 82,000 लोगों ने, ये देखिए आप लोग, 82,000 लोगों ने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है। इसमें से 3326 रैंक रही है, तो 82,000 लोगों में अगर आप लोगों ने भी अटैम्प्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपको भी पता लग रहा है कि प्रिपरेशन का लेवल वगैरह और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप लोग डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। ये जो यहाँ पे रैंक दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे ये राइट क्वेश्चंस है और आपको यहाँ पे रैंक मिल रही है, कि जैसे ए में दिखा रहा है, बी में दिखा रहा है, सी डी, इस तरह से दिखा रहा है आपका। ये जोन है आप लोगों की, तो यहाँ पे आप लोग जोन देख सकते हो। सी का मतलब है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि क्या कुछ मतलब है इन जोन्स का। इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो टाइम यहाँ पे 21 मिनट लगा था मेरे को, और 18 मिनट मैंने करेक्ट क्वेश्चन करने में लगा था, यानी जो सही क्वेश्चन मेरे हुए थे उनमें मेरा 18 मिनट ही टाइम लगा था रीजनिंग के अंदर, और 2 मिनट और 39 सेकंड ऐसा टाइम था जिसमें मैं कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया था, यानी पढ़ने में, या जो क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ नहीं सॉल्व, उसके आंसर्स नहीं लगाए, तो उस तरह का टाइम जो वो लग गया था, और कोई गलत हुआ नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग का तो कोई टाइम नहीं है। क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 23 मिनट लग गए थे, और करेक्ट जो क्वेश्चन मैंने किए वो सिर्फ 15 मिनट में किए थे, और अन अटैम्प्ट जो क्वेश्चन थे मेरे 6 मिनट ऐसा लग गया कि कोई डीआई वगैरह बना नहीं, तो उस पर टाइम लग गया था 6 मिनट, यानी जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे, और रॉन्ग क्वेश्चन हो गया था उसमें 1 मिनट 36 सेकंड, यानी 1 मिनट 36 सेकंड में अगर मैंने कोई क्वेश्चन बनाए थे तो जो एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था वो रॉन्ग हो गया था। तो ये उसका कंप्लीट एनालिसिस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, और टाइम के अलावा आप लोग यहाँ पे स्कोर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि 25 से जो 50 नंबर के बीच में जिनका स्कोर है उनकी संख्या बहुत है, लगभग 65% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके स्कोर 25 से 50 नंबर के बीच में आया, यानी 25 से ज़्यादा, 50 से कम, और 50 से 65 के बीच में आप लोग देखोगे बहुत कम लोग आप लोगों को मिलेंगे, सिर्फ 5% ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जो 50 से 65 के बीच में मार्क्स रहे होंगे। तो एक्चुअल मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हो एनालिसिस यहाँ के, और सॉल्यूशन के लिए आप लोग यहाँ से जा सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये प्रॉपर मॉक टेस्ट का एनालिसिस था, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है, अगर आगे से ये टेस्ट इस तरह से लाइव आए तो उसको अटेम्प्ट किया करो। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगती है, यानी जो न्यू चीज़ें, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, और इतने स्टूडेंट अटैम्प्ट करें तो उसके बीच आपका कंपटीशन भी कहीं ना कहीं आप लोगों की रैंक वगैरह भी यहाँ से पता लगता है कि कितने स्टूडेंट अटैम्प्ट करें, हम कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी आगे जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी कर सकते हो। तो इसके लिए अलावा एक फ्री टेस्ट भी है यहाँ पे इनका, ये भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, और आपके स्कोर जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।